हेलो एवरीवन, जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्मापी यंत्रों के बारे में, पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रोमीटर के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे सूक्ष्मापी यंत्र वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर क्या है, एक प्रिसीजन लीनियर मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले क्या है, प्रिसीजन सूक्ष्मापी यंत्र है। किस प्रकार का, लीनियर मतलब ये रेखीय सूक्ष्मापी यंत्र है। करता है क्या है, मेजरिंग करता है, चेकिंग करता है। तब कोई जॉब, कोई भी जॉब है उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है, डेप्थ है, लंबाई चौड़ाई मोटाई या फिर उसकी गहराई नापना हो, कितने तक 0.02 mm या 0.001 इंच की एक्यूरेसी में, तो हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार फ्रांस के पैरी वर्नियर ने 1630 ईस्वी में किया था। कई बार पूछा जाता है, जैसे माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर जी ने किया था, इसका वर्नियर कैलिपर का आविष्कार फ्रांस के रहने वाले पैरी वर्नियर ने 1630 ईस्वी में किया था। किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, लीनियर इंस्ट्रूमेंट है। काम क्या करता है, मेजर करता है और चेक करता है कितने एक्यूरेसी में, 0.02 mm या फिर 0.001 इंच की एक्यूरेसी में। इसके द्वारा लंबाई चौड़ाई मोटाई और डेप्थ ऑफ होल को भी हम चेक कर सकते हैं। किस मेटल का बना होता है, बात किया जाए तो ये वैनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील या फिर इनवायर स्टील का बना होता है। कई बार ये एग्जाम में ना दे करके निकिल क्रोम स्टील भी दिया जाता है, तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। जो भी है, चाहे वो वैनेडियम स्टील है, क्रोमियम स्टील है या इनवायर स्टील है, या फिर अगर निकिल क्रोम स्टील ऑप्शन में होता है तो निकिल क्रोम स्टील को टिक कर देंगे। प्रिंसिपल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो जैसे कि माइक्रोमीटर था वो नट बोल्ट के सिद्धांत और लीड और पिच के सिद्धांत पे कार्य करता था। सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका कोई ना कोई एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो ये दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। जो दो एक अनुरूप स्केल होते हैं, एक समान जो स्केल होते हैं उसके अंतर पे कार्य करता है। उसमें कौन सा होता है, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। इसी के बेसिस पे हम इसका लीस्ट काउंट भी निकालते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा करके। नेक्स्ट बात की जाए इसके पार्ट्स के बारे में, तो कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मूवेबल जा, फिक्स जा, बीम, डेप्थ बार, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। पहले आता है फिक्स जा। फिक्स जा क्या आता है, ये वर्नियर स्केल के लेफ्ट साइड में होता है। इसमें मेजरिंग के लिए जो ऊपर वाले जार्स होते हैं वो इंटरनल मेजरमेंट के लिए, जो बाहर वाले नीचे वाले होते हैं एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए जनरली प्रयोग किए जाते हैं, बीम के साथ ही अटैच होता है। दूसरा है मूवेबल जा। मूवेबल जा क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में कह लीजिए या बीम के साथ, बीम के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। और इस मूवेबल जा के साथ ही वर्नियर स्केल जुड़ी हुई होती है, और इसी में हमारी जो डेप्थ बार होती है जिसे डेप्थ गेज भी कहते हैं, वो भी बीम पर बने हुए खांचे में क्या करती है, स्लाइड करती है। मूवेबल जा के साथ ही अटैच होती है। वर्नियर स्केल भी इसी पर ग्रेजुएटेड होती है, मूवेबल जा पर। नेक्स्ट है बीम। ये एक धातु की चौड़ी पट्टी होती है जिस पर एक सिरे पर फिक्स जा होता है, और इसके ऊपर क्या करता है, मूवेबल जा, और बीच में डेप्थ बार स्लाइड करती है, जो पीछे इसमें छेदी कटी हुई होती है। डेप्थ बार किससे जुड़ी होती है, जैसा कि हम दो बार चर्चा कर चुके हैं, मूवेबल जा से जुड़ी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डेप्थ स्ट्रिप या डेप्थ बार या डेप्थ गेज किससे जुड़ी होती है, तो मूवेबल जा से जुड़ी हुई होती है। प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी होल वगैरह की हमें गहराई चेक करनी है, ब्लाइंड होल होना चाहिए, थ्रो होल जनरली कम चेक करते हैं, ब्लाइंड होल जो कि पूर्ण गहराई तक नहीं है उसके हमें चेक करनी होती है, तो हम प्रयोग करते हैं डेप्थ बार। नेक्स्ट है मेन स्केल, जो मुख्य स्केल होती है। ये कहाँ ग्रेजुएटेड होती है, बीम पर बनी हुई होती है। ये मेट्रिक में और ब्रिटिश में दोनों पद्धत में बनी हुई होती है। वर्नियर स्केल ये आपके मूवेबल जा पर ही बनी हुई होती है, यह भी मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों में ग्रेजुएटेड होती है। और इस पे आते होते हैं लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू इसका प्रयोग माप लेने के बाद हम इच्छित पोजीशन में लॉक करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें एक और लॉकिंग स्क्रू होता है जिसे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के नाम से भी जानते हैं, कि वर्नियर स्केल को काफ़ी सूक्ष्मता में जो है माप लेना होता है,
तो फिर उससे हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा उसको लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। जैसा कि लीस्ट काउंट आपको पता ही, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके द्वारा जो हम कम से कम माप लेते हैं वही उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अल्पतम, जितना कम से कम माप लिया जाए वही क्या उसका अल्पतमांक कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है जो इस पर मेन स्केल होती है उसके एक डिवीजन की वैल्यू होती है जनरली 1 mm, किसकी, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। और इस पर जो वर्नियर स्केल होती है वो कुछ इस प्रकार से ग्रेजुएटेड होती है कि उस पर जनरली आपके जो 50 वर्नियर डिवीजन होते हैं वो मेन स्केल के 49 डिवीजन के बराबर होते हैं। कुछ में आपके ये 9, 10 के बराबर, 10, 9 के बराबर, 20, 19 के बराबर, 40, 39 के बराबर, तो जनरली जो स्टैंडर्ड है उसमें 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती है। ऊपर हमने प्रिंसिपल में देखा था कि ये दो स्केल के अंतर पे कार्य करता है, तो इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा देते हैं। अगर यहाँ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाली जाए तो 49/50 आ जाएगा। लिस्ट काउंट के लिए एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा देंगे। हम जानते हैं एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है 1 mm, अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हमने निकाला 49/50, 49/50 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में से 49 जाएगा, एक बचेगा नीचे 50, एक को जब आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 mm आ जाता है। इसी प्रकार कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अगर मान लीजिए जो मेन स्केल है उसकी 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर हो तो फिर वहां पर लिस्ट काउंट कितना होगा। तो हम जानते हैं 1 mm होगा उसका जो मेन स्केल है, वर्नियर निकालेंगे तो 9/10 आ जाएगा, तो फिर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 mm आ जाएगा। तो अगर हमारी मेन स्केल की 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन के बराबर है तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.1 mm हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, 0.01 नहीं होके 0.1 होता है, ठीक है। आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप जान जाएंगे, लगा लेंगे। अगर 19 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है तो लिस्ट काउंट कितना होगा, 20 × 5 = 100, 0.05 mm के बराबर होगा। कभी कभी पूछा जाता है 39 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है 40 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है तो इस परिस्थिति में उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, तो 0.025 mm के बराबर होगा। तो ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है 24 मेन स्केल डिवीजन 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, वो आपको जो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है वो 1 mm ना देके 0.5 mm दे देते हैं। तो जब उस परिस्थिति को हम सॉल्व करते हैं तो वहां भी हमारा लिस्ट काउंट 0.02 mm ही आता है, ठीक है। यहाँ आपका मेन स्केल इन सब में परिस्थितियों में मेन स्केल 1 mm था और यहाँ वो मेन स्केल को 1 mm ना देके 0.5 mm देते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब रीडिंग की बात की जाए कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे ली जाती है, तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है जो मेन स्केल की जो जीरो लाइन है वो कहाँ, मतलब कितने, मतलब जो वर्नियर की जो जीरो लाइन है वो कितने मेन स्केल को क्रॉस कर गई है। तो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग को नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल है इसका कौन सी लाइन मेन स्केल के लाइन के साथ मिल रही है, तो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मिल रही है और इसके साथ जो आपका वर्नियर का लिस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को उठा के एड कर देंगे। तो मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये होता है रीडिंग लेने का या रीडिंग सेट करने का मेथड। इसके बाद कुछ प्रमुख प्रकार के जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। पहला डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो कि आधुनिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें एक LCD डिस्प्ले लगा होता है जिस पर आपको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, मेन स्केल वर्नियर स्केल देखने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप डिस्प्ले करता रहता है रीडिंग कितनी है। और ये ब्रिटिश में और मेट्रिक में दोनों में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बटन लगी होती है उसके द्वारा। सबसे बड़ी विशेषता है इससे माप बहुत शीघ्रता से लिया जाता है
और इसके द्वारा हम जो आधुनिक आपके डिजिटल कैलिपर नियर कैलिपर आते हैं 0.01 mm तक की एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं, जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होते हैं। नेक्स्ट है नाइफ एज कैलिपर, नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, इसकी बात की जाए तो जो इसके मेजरिंग जास होते हैं एकदम चाकू की तरह काफ़ी शार्प तेज होते हैं, मतलब तीक्ष्ण होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई दो होल है पास पास में, दो होल्स हैं उनके बीच की हमें दूरी चेक करनी है तो हम प्रयोग करते हैं नाइफ एज वर्नियर कैलिपर का, या फिर कोई इंटरनल डायमीटर चेक करना है तो वहाँ पर भी हम नाइफ एज वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। मेनली कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हमें दो होल के बीच की दूरी चेक करनी होती है वहाँ पर। नेक्स्ट है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है गियर टीथ के एडेंडम की जांच करने के लिए, जो एडेंडम होता है, और उसके साथ साथ गियर के दांतों की मोटाई को चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एडेंडम क्या होता है, डेडेंडम क्या होता है, जब हम पावर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि गियर के टीथ का अगर हमें एडेंडम चेक करना हो या फिर उसकी थिकनेस चेक करनी हो, टीथ की मोटाई चेक करनी हो, तो प्रयोग करेंगे गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का। नेक्स्ट है डायल कैलिपर, डायल कैलिपर जैसे आपके और जो कैलिपर वर्नियर कैलिपर हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, दो स्केलों के अंतर पर कार्य करते हैं। जो आपका ये डायल कैलिपर, इसका प्रिंसिपल कुछ अलग होता है, ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके द्वारा किसी भी जाप को मेजर या चेक किया जा सकता है 0.05 mm या 0.02 mm या 0.01 mm। कई प्रकार के डायल कैलिपर्स आते हैं, जिस प्रकार के हमें आवश्यकता होती है उस प्रकार की एक्यूरेसी वाला ले लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पूछा क्या जाता है डायल कैलिपर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देन यू हैव टू गो फॉर रैक एंड पिनियन। इसके बाद बात करते हैं वर्नियर डेप्थ गेज की। मान लीजिए आपको किसी कोई होल्स है, किसी होल का डेप्थ या ग्रुप्स, स्टेप्स, स्लॉट्स, इन सब की अगर हमें डेप्थ माप करनी है, उसकी गहराई मापनी है ग्रुप की, स्टेप, स्लॉट की, तो हम प्रयोग करते हैं किसका, वर्नियर डेप्थ गेज का। नाम सी स्पष्ट है डेप्थ, तो इसका प्रयोग किया जाएगा गहराई को मापने के लिए। किस एक्यूरेसी में, लाइक वर्नियर कैलिपर 0.02 mm या 0.001 mm की एक्यूरेसी में इसके द्वारा मार्किंग और चेकिंग की जाती है। तो वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज ये क्या है, वो जैसे वर्नियर कैलिपर है मेजरिंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इसके साथ साथ मार्किंग का भी कार्य करता है। वर्नियर हाइट गेज क्या करता है, मार्किंग का कार्य करता है। जनरली इसका हम प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में मार्क करने के लिए, बट किस प्रकार की हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन को मार्क करता है, जो आपकी क्षैतिज लाइनें होती हैं, क्षैतिज समांतर लाइनों को मार्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब की। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.02 mm या 0.001 mm की एक्यूरेसी में मार्क करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नियर हाइट गेज के साथ कौन सा स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है, तो ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है लाइनों को मार्क करने के लिए। तो ये थे कुछ वर्नियर कैलिपर के बारे में, उसके यूज के बारे में। जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर बेबन प्रोटेक्टर के बारे में। जैसा कि साधारण जो आपका प्रोटेक्टर होता है, चांदा होता है, उसके द्वारा किसी भी जॉब को हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 degree, एक अंश की सूक्ष्मता में हम प्रोटेक्टर के द्वारा माप करते हैं। लेकिन अगर हमें उससे और अधिक सूक्ष्मता में किसी कोण को मापना है या जांचना है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी जाप के कोण को 5 मिनट या फिर 1/12 degree के एक्यूरेसी में मार्क और चेक कर सकते हैं। पूछा जाता है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर कैसा यंत्र है, तो एक प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है, कोण को मापता है और उसकी जांच करता है, किस एक्यूरेसी में, 5 मिनट की या फिर 1/12 degree की। सबसे ज्यादा इसके लिस्ट काउंट से पूछा जाता है कि किस इस वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है या इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो 5 मिनट 1/12 degree। किसी भी कोण को हमें अगर इतनी सूक्ष्मता में चेक करना है या मार्क करना है, तो प्रयोग करते हैं वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं वन बाय वन करके। इस पार्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है स्टॉप,
स्टॉक क्या है, एक बेस की तरह आधार की तरह कार्य करता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्किंग या चेकिंग करते समय वल्नरेबल प्रोटेक्टर के किस पार्ट के द्वारा डेटम सरफेस प्रदान की जाती है। तो डेटम सरफेस होती है, डेटम सतह होती है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो स्टॉक के द्वारा प्रदान की जाती है। प्रोवाइड डेटम सरफेस विल मार्किंग एंड चेकिंग। इसमें एक स्लॉट भी कटा हुआ होता है जिसमें कि मोमेंट मिलती है ब्लेड को, ब्लेड उसमें क्या करता है, मोमेंट करता है। नेक्स्ट इस पे पार्ट आता है डायल का। डायल पे हमारी वर्नियर स्केल ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, वर्नियर स्केल डायल पे बनी होती है। इसी पर ब्लेड होल्डर, फाइन एडजस्टिंग जो स्क्रू होते हैं और डायल लॉकिंग स्क्रू भी आपके डायल पर ही लगे हुए होते हैं। तो वर्नियर स्केल हो गई, ब्लेड को होल्ड करने वाला हो गया, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और डायल को लॉक करने वाले स्क्रू, ये सारे अरेंजमेंट कहाँ होते हैं, डायल पर ही होते हैं। और डायल को हम 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क। डिस्क क्या है, डिस्क पर जनरली मेन स्केल ग्रेजुएशन मार्क की हुई होती है, एक सर्कुलर शेप गोलाकार आकार की होती है, वृत्त के आकार की कह लीजिए। इसको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। इस क्वाड्रेंट की रीडिंग कुछ इस प्रकार होती है, 0 to 90 डिग्री मार्क होता है, फिर 90 to 0 डिग्री, नेक्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, नेक्स्ट 90 to 0 डिग्री, मीन 360 डिग्री को चार पार्ट में बांट के यहाँ मार्किंग कर दी जाती है। ब्लेड, ब्लेड क्या होता है, एक आपका ब्लेड साइज जैसा ही होता है, इसमें एक रेक्टेंगुलर ग्रूव कटा हुआ होता है, आयताकार ग्रूव होता है इसके मिडिल में, और इस पे जो इसके दोनों एंड होते हैं ब्लेड के 45 डिग्री और 60 डिग्री पर बेबल किए हुए होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लेड के सिरे हैं कितने डिग्री पर बेबल होते हैं, तो 45 डिग्री पर एक सिरा और दूसरा सिरा 60 डिग्री पर बेबल किया हुआ होता है। नेक्स्ट है मेन स्केल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की मेन स्केल कहाँ ग्रेजुएटेड होती है। तो जैसा कि ऊपर हमने देखा था, ये ग्रेजुएटेड होती है डिस्क के ऊपर, और इस मेन स्केल को 360 डिग्री में हम क्या करते हैं, कुल डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए कि मेन स्केल की एक्यूरेसी कितनी होगी, तो होगी 1 डिग्री। मेन स्केल की एक्यूरेसी 1 डिग्री एक अंश होगा। वर्नियर स्केल के बारे में बात की जाए तो वर्नियर स्केल डायल पर फिट होती है, डायल पर ग्रेजुएटेड होती है। इसमें कुछ इस प्रकार लाइनें होती हैं कि इसके जो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 23 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। इसमें हर तीसरी लाइन को थोड़ा लंबा कर दिया जाता है और उसे हम मार्क कर देते हैं 0, फिर उसके बाद 15, 30, 45, 60 के रूप में। 12 लाइनें दाएं तरफ, 12 लाइनें बाएं तरफ, और बीच वाली लाइन जो शून्य रखा होती है थोड़ी लंबी होती है। अरेंजमेंट कैसी होती है कि 12 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होती है 23 मेन स्केल डिवीजन के। तो अगर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाली जाए तो 23 डिग्री बटा 12, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री 55 मिनट आएगा। पूछा जाता है कि मेन स्केल की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 डिग्री हो जाएगी। अगर वर्नियर स्केल की वैल्यू पूछी जाए तो वर्नियर स्केल की वैल्यू आएगी 1 डिग्री 55 मिनट, और अगर लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी पूछी जाए तो हो जाएगी 5 मिनट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि ये भी डिफरेंस ऑफ टू स्केल पे वर्क करता है, टू स्केल के अंतर पे कार्य करता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम जानते हैं कि जो इसकी वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है 1 डिग्री 55 मिनट है, और मेन स्केल 1 ही डिग्री है, तो यहाँ पर हम एक मेन स्केल ना लेके कितना मेन स्केल लेते हैं, 2 मेन स्केल लेते हैं लिस्ट काउंट निकालने के लिए। तो 2 मेन स्केल मतलब हो गया 2 डिग्री, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 23 डिग्री बटा 12, मीन्स 1 डिग्री 55 मिनट। जब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो आएगा 1 बटा 12 डिग्री, या फिर कह लीजिए 5 मिनट। तो हम कह सकते हैं जो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर है ये 1 डिग्री के 12वें भाग तक या फिर 5 मिनट की सूक्ष्मता में किसी भी कोण को माप सकता है व फिर चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसे आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आई होगी। ये 1 बटा 12 का मतलब क्या है, जैसे 1 डिग्री हमारी बराबर होती है किसके, 16 मिनट के, और 16 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 5 मिनट। तो आप चाहे कहिए 1 डिग्री के 12वें भाग तक या फिर 5 मिनट की सूचना में बात करता है। अगर इसके मटेरियल की बात की जाए तो जनरली जो इसके सभी पार्ट होते हैं वो हाई एलॉय स्टील के या फिर टूल स्टील के बनाए जाते हैं।
तो ये थी आज की टॉपिक जिसमें हमने जाना वर्नियर कैलिपर के बारे में और उसके साथ साथ हमने वर्नियर विवर प्रोटेक्टर के बारे में डिस्कस किया। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा और टॉपिक को आप वीडियो को बीच बीच में रोक करके नोट डाउन करते रहें। सारे पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।